दोस्तों मैगी तो आपने 2 मिनट में बना के खाया ही होगा और आज हम बनाने वाले हैं पास्ता, माइक्रोनी पास्ता, वो भी 3 मिनट में, तो और बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों आप इस पास्ता को ज़रूर ट्राई करना, माइक्रोनी पास्ता को वेजिटेबल, बहुत सारे वेजिटेबल डाल के हम बनाने वाले हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आएंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और देखिए कितना फटाफट ये पास्ता बनता है। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोनी ले लिया है, करीबन आधा किलो शायद होगा, मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे पतीला में पानी चढ़ा दिया है, पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें माइक्रोनी डाल के और थोड़ा सा हम तेल डाल के इसे उबाल के हम रख लेंगे। आप इसे उबाल के पहले से ही रख सकते हैं और फिर फटाफट आप बना सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा तेल डाल के इसे उबाल लिया है और उसके बाद अब मैं उबाल के पहले ही रख ली थी और अब हम बनाने चल रहे हैं माइक्रोनी मतलब पास्ता। मैंने एक कढ़ाई में सरसों तेल डाला है, 2 टीस्पून के करीब जीरा डाला है, 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून हमने हरे मिर्च को डाल लिया है छोटे छोटे पीस में काट के। उसके बाद हमने यहाँ पे बारीक बंधा गोभी को काट के डाल दिया है। उसके बाद हमने थोड़ा सा गाजर डाला है काट के, थोड़ा सा हमने शिमला मिर्च को डाला है और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। जब ये हल्का भुना जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रश किया हुआ चुकंदर थोड़ा सा, उसके बाद टमाटर हमने यहाँ पे डाला और इन सभी को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब ये हल्का भुना जाए उसके बाद हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा हमने लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डाला है ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए हमारा पास्ता। इसके बाद अच्छी तरह से हम इन सभी को भून लेंगे और ध्यान रहे नमक हमें लास्ट में डालना है, अगर अभी आप डालोगे तो आपकी जो सब्जियां अच्छी तरह से भुना नहीं पाते हैं, वो पानी छोड़ देते हैं इसलिए। उसके बाद अब यहाँ पर मैं माइक्रोनी को डाल देती हूँ और डालने के बाद अच्छी तरह से इसे सब्जियों के साथ, मसालों के साथ अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी आपको टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखनी है, जैसे पापड़ी चाट हो गया, चाट हो गया, छोले भटूरे, तो मेरे सारे वीडियो मेरे चैनल पे डाला है, तो आप जाके देखिएगा और बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, अगर आप चाहते हैं तो इसी बीच काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट हम नहीं डालेंगे, हम सिंपल बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनता है। और हाँ, उसके बाद हम यहाँ पे पास्ता मसाला डालेंगे, मैंने यहाँ पे 2 पैकेट पास्ता मसाला डाला है, तो पास्ते मसाले में कंजूसी ना करें, नहीं तो फिर वो पास्ता का टेस्ट नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ 2 पैकेट पास्ता मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, आप स्टार्टिंग में ही प्याज को फ्राई करके उसके बाद सारी सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और लो भाई, यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी पास्ता बनके तैयार हो चुका है। तो आप भी इस पास्ता को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाने में 2 से 3 मिनट लगेगा। आप पहले से पास्ते को, माइक्रोनी को उबाल के रख लीजिए और जब भी मन करे हल्का हल्का सब्जियों को भूंज के और इस पास्ता को ट्राई कीजिए, सच में बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कॉमेंट बॉक्स में और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।